समित को आमे वालों के काम और जिंदगी में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए वो चाहता था कि वो बॉर्डर पे खुद जाकर सोल्जर्स को थैंक यू बोले। अगर ऐसी बात है तो हम गुल्लू बेटे को बॉर्डर पे ही लेके जाएंगे। सुमित बाबा का दिन था ना बॉर्डर पे जाके उसी भाई को थैंक यू बोलने का। सुमित बाबा का दिन अब बॉर्डर पे ही जाके थैंक यू बोलेगा। मैंने अब फैसला कर लिया है कि मैं अपनी बेटी को वापस लाकर रहूंगी, चाहे मेरा करियर बर्बाद हो या आपका पॉलिटिकल एम्बिशन। गुनगुन को इस घर में लाने से मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बावजूद हमारा आर्मी के कामों में कोई दखल नहीं होता, और वैसे भी इस टाइप की बॉर्डर विजिट्स के लिए हमें BCO प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वैसे मैंने डिफेंस सेक्रेटरी से बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि इस टाइप की कोई परमिशन हमने पहले कभी किसी को नहीं दी। एक स्कूल का ही स्टूडेंट है, लाखों स्टूडेंट्स की तरह ये भी हमारे देश का फ्यूचर। कोई तो तरीका होगा जिससे हम इसकी हेल्प कर सके। एक तरीका है, देखिए उसमें परमिशन मिलने की गारंटी तो नहीं है, लेकिन शायद आपका काम हो जाए। आप इस बच्ची के नाम से डिफेंस मिनिस्ट्री को लेटर लिखिए और उसमें यह इंडिकेट कीजिए कि यह बच्ची बॉर्डर पर जाकर जवानों को किस वजह से थैंक्स कहना चाहती है। हो सकता है शायद आपका काम बन जाए। डिफेंस मिनिस्ट्री में आपका लेटर सही लोगों तक पहुंच जाए, यही एक बहुत बड़ी बात होगी। अंकल, अगर उन्हें हमारा एक लेटर नहीं दिखाई दिया तो क्या हुआ? हमें और लेटर्स लिखेंगे, हर रोज इतना लेटर लिखेंगे। जब तक हमें परमिशन नहीं मिल जाती हम तब तक लेटर लिखते रहेंगे। फिर देखना अंकल, जब उनके पास बहुत ही सारे लेटर्स हो जाएंगे ना, तब उन्हें हमारा एक लेटर पढ़ना ही होगा, है ना? हाँ बेटा, जरूर। चिट्ठी लिख रहे थे ना, हाँ। हमने पूरी कर दी है। अब वो जब ये चिट्ठी पढ़ेंगे ना, आप देखना तो जल्दी से जल्दी हमें परमिशन दे देंगे। राय तो बहुत बढ़िया चिट्ठी लग रही है बिटिया, बहुत अच्छी लिखी हो। पर पापा, हाँ? मैं चिट्ठी भेजेंगे का? हमें तो मालूम ही नहीं है। अरे बाबा, हमने भी नहीं सोचा।
एड्रेस तो हमारे पास भी नहीं है। मीना मैडम को फोन करके पूछें। हेलो हेलो मीना आंटी। हेलो कुमकुम बेटा। आंटी वो जो आर्मी अंकल को चिट्ठी लिख रहे थे ना, हमने पूरी कर दी है। पर आंटी हमें एड्रेस तो मालूम ही नहीं है। अरे बेटा एड्रेस मुझे मालूम है ना, पापा को फोन दो मैं उन्हें बताती हूँ। ठीक है पापा ने फोन। अरे बात करते हैं। नमस्ते मीना मैडम जी। नमस्ते हीरा। हीरा चिट्ठी को लेके काफी आस बांधने बैठी है, लेकिन तुम भी जानते हो कि बहुत कम चांसेस हैं कि वहां से कोई जवाब आए। मैडम जी वो कहा है ना, गुनगुन को मना करने का हिम्मत नहीं बटोर पा रहे। गुनगुन ने बहुत मन से लिख दिया है वो चिट्ठी को, तो हम सोच रहे थे कि चिट्ठी भेज के देख लें, क्या पता कोनो चमत्कारी हो जाए। सही कह रहे हो तुम। ठीक है मैं तुम्हें एड्रेस भेजती हूँ। जी मैडम शुक्रिया। बिटिया तुमने अभी तो चिट्ठी लिखी है, 2-4 दिन तो चिट्ठी को पहुंचने में लगता है, और जो अफसर वहां बैठे हैं उनको पढ़ने में 2-3 दिन लगा देंगे, और जब उनकी मर्जी होगी तब जाके वो तुम्हारी चिट्ठी का जवाब देंगे ना, तो इस सारे कार्यक्रम में कम से कम 7-8 दिन लग जाएंगे बिटिया। अरे पापा अगर रास्ते में चिट्ठी खो गई तो? अरे काहे खो जाए? अरे पापा अगर खो गए तो सोचो ना। अरे काहे खोएगी, तुमने वो पता जो था वो ठीक से लिखा था ना। अरे पापा सब कुछ ठीक से लिखा था, अगर खो गई तो? अभी का क्या जवाब दे बिटिया? हम भी काम करते, हम रोज नई चिट्ठी लिखेंगे, जब तक वो हमें परमिशन नहीं दे देते ना हम तब तक चिट्ठी लिखते रहेंगे, और फिर तो उन्हें हमें परमिशन देनी ही होगी ना। ठीक है बिटिया, तुमको जैसा ठीक लगे वैसा करो। मैडम वो अमीनाबाद वाले एरिया के नए ड्रेनेज सिस्टम की फाइल अगर आपने देख ली हो तो ठेकेदार को कल का टाइम दे दें क्या? मैडम वो जो नए पाइपलाइन का ठेका देना ना, उसकी बात कर रहा हूँ। ये सब प्लीज आप देख लीजिए, फिलहाल मेरे पास आपके एक जरूरी काम है। जी मैम। वो ऑटो ड्राइवर क्या नाम है उसका? हाँ हीरालाल, मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए, वो कितना कमाता है, उसकी बेटी कौन से स्कूल में जाती है, उसका रहन सहन सब कुछ, उसकी बेटी और उससे जुड़ी सारी डिटेल्स मुझे तुरंत चाहिए। मैम उस हीरालाल ने कुछ गड़बड़ फिर से की है क्या? मैम मैं आपको पहले ही कह रहा था कि उसके दोस्त को अवल आप कुछ दिन और सन्ने देते हैं। वक्त से पहले और जरूरत से ज्यादा दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है, आप पहले ही बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं। मैम ऐसा करते हैं ना, इस बार हीरालाल के बच्चे को ना हवालात में डाल देते हैं, मैम सारी हेकड़ी निकल जाएगी। आपसे जितना कहा गया है सिर्फ उतना ही कर सकते हैं आप? नहीं करने वाली तो बात ही नहीं है ना, बस आप जैसा कहेंगे वैसी इंफॉर्मेशन आपको ला दूंगा। गुड, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि ये काम खुफिया तरीके से होना चाहिए, अपने बेस्ट आदमी को इस काम पे लगवाओ, जरूरत पड़े तो किसी भरोसे के आदमी को पैसे देके काम करवाओ, और हीरालाल को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि उसकी जासूसी की जा रही है, समझ गए? बिल्कुल मैडम, आप काम हुआ समझे। अभी तक परमिशन लेटर नहीं आया? नहीं अभी तक तो नहीं आया, पर हमारे पापा कहते हैं जो आर्मी अंकल होते हैं ना उनके पास रोज बहुत सारे लेटर जाते हैं, तो उनको हर लेटर पढ़ने में और उनका जवाब देने में टाइम लगता है, इसीलिए
हमें लगता है कि उन्होंने अभी तक हमारा लेटर पढ़ा ही नहीं होगा, पर फिर भी हमने रोज अपना लेटर लिखते हैं। यानी अभी तुझे बॉर्डर पे जाने में बहुत टाइम लगेगा, अरे परमिशन लेटर आएगा फिर तो तू जा पाएगी। और लखनऊ से बॉर्डर पता भी है कितना दूर है? पता नहीं भैया, मुझे नहीं लगता कि गुनगुन अब बॉर्डर पे जा सकती है। मेरे चाचू आर्मी में है, मैंने उनसे कहा था कि मैं उनके साथ बॉर्डर पे आ सकता हूँ, उन्होंने मना कर दिया और कहा कि बॉर्डर पे बच्चे अलाउड नहीं है, इसलिए गुनगुन का वहाँ जाना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, ये हमने अपने पापा से सीखा है। तो अब तू मेरे चाचू की भी बात सीख ले कि तेरा वहाँ जाने का कोई चांस नहीं है। फिर तो आज तेरा पिटने का पूरा चांस है। भैया छोड़ दो। बोल सॉरी। सॉरी गुनगुन। फिर आज के बाद मेरी फ्रेंड को चढ़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब बैठ। इतनी उदास क्यों बैठी है? भैया फिर उसने कहा अगर वो सच हो गया तो? आ जाएगा गुनगुन, तू देखना जब तू अपने घर जाएगी तो अपने घर का लेटर बॉक्स खोलेगी, उसमें तेरा परमिशन लेटर आ जाएगा। लेटर बॉक्स? ये क्या होता है? और घर में लेटर बॉक्स थोड़ी ना होता है। क्यों नहीं होता? बड़े को तो पोस्टमैन सारे लेटर डाल के जाते हैं। लेकिन हमारे घर में तो कोई लेटर बॉक्स नहीं है। है? लेटर बॉक्स ही नहीं है तो पागल, पोस्टमैन तेरे घर तक लेटर कैसे पहुंचाएगा? सिंपल सी बात है बाबा, तू सारा दिन स्कूल में थी, तेरे पापा ऑटो चलाने वाले, तो कोई घर में लेटर लेने वाला ही नहीं होगा तो क्या पोस्टमैन लेटर फेंकते रहेगा? लेटर तो लेटर बॉक्स में डाल के जाएगा ना। ये आइडिया तो हमें दिमाग में आया ही नहीं। अरे गुनगुन बिटिया, अरे कहाँ हो? अरे यहाँ बैठी हो? अरे बिटिया वो शांति आंटी ने तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाई है, वो तुमको बाहर बुला रही, जाओ। अरे अच्छा ये देखो, हम तुम्हारा सारा सामान लिया, ये गत्ता, ये वो गुलाबी कागज, और जो तुम हमको रिबन, वो लड़िया, वो रस्सी, चमकी वाला सामान, वो सब लेके आ गए। सच में पापा अब ले आए? दीजिए ना, दीजिए ना। ये भैया तुम्हारा ही सामान है, किस का है रही हो? अच्छा हमको बताओ कि सामान से बनाओगी का? पापा इसकी भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। काहे? क्योंकि ये सरप्राइज है और हम आपको ऐसे ही नहीं दिखाएंगे, हम आपको बना के दिखाएंगे। फिर तो बेटिया हम जाके नहा धो लेते हैं, कपड़ा बदल लेते हैं और एकदम टिप टॉप होके आते हैं, फिर तुम हमको अपना प्राइस दिखा। ओहो पापा प्राइस नहीं सरप्राइज। ओही गुड़िया ओही, एक ही बात है, ठीक है हम अभी आते हैं। धो भी लिए, कपड़ा भी बदल लिए, हम आ रहे हैं, कहाँ बना रही हो तुम? ओहो पापा बस 2 मिनट तो रुक जाओ। अरे बिटिया हमसे इंतजार नहीं हो रहा, हम आ रहे हैं। आ जाओ और आपको अपनी आंखें बंद रखनी होगी। ओहो अरे बिटिया आंखें बंद करे तो गिर नहीं जाएंगे, आंखें खोलने हैं अपनी। अरे अभी नहीं ना पापा। अरे बिटिया आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, इसलिए हम पूछ रहे हैं तुमको। खोलो पापा। ये क्या बनाए हो? अरे वाह एकदम लाल लाल, ये तो चिड़िया का घर जैसे लग रहा है, पर स्कूल का नया प्रोजेक्ट है का? ओहो पापा ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये लेटर बॉक्स है, पोस्टमैन इसमें चिट्ठी डालेगा। अब देखो हम तो चले जाते हैं स्कूल और आप भी तो अपने काम करते हो ना, तो फिर वो चिट्ठी कहाँ डालेगा? अरे हाँ ये तो हम भूल ही गए भैया, तो बहुत ही बढ़िया वो लेटर बॉक्स बनाया हो तुम, और इसमें ढक्कन भी है, ये देखो
इसीलिए तो हमने लेटर बॉक्स बनाए हैं पापा। देखो हमने अपना नाम भी लिखा है, गुनगुन। गुनगुन, मजा आ गया देख के। अब देखना पापा, हमें इसी लेटर बॉक्स में जल्दी से जल्दी परमिशन भी मिल जाएगी। हमें काम करते हैं, कुछ जल्दी जाके ना घर के बाहर लगा देते हैं, ताकि तुम्हारी चिट्ठी आए तो सीधा इसमें गिरे। लग तो जाएगी पापा, पर अगर हमें परमिशन नहीं मिली तो? अरे काहे नहीं मिलेगी बिटिया, अरे तुम अपना काम करते जाओ। तुम्हारा काम है चिट्ठी लिखना, और वो आर्मी अंकल का काम है तुम्हें परमिशन देना। तुम अपना काम करती जाओ, वो अपना काम करेंगे। अरे वो शांति आंटी ने तुम्हें एक बार सिखाया था ना कर्म करने के बारे में। केवल हमें अपना कर्म करना चाहिए और फल की चिंता भगवान जी पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, तुम अपना कर्म करती जाओ और फल की चिंता जो है वो भोले शंकर पे छोड़। भोले शंकर ने तुम्हारी और उस सुमित बाबा की हर विश पूरी करी है ना, तो ई विश भी पूरी कर देंगे। और बिटिया वो कहा है ना, चिट्ठी पत्री आने में थोड़ा समय लगता है, लेटर बिटर में टाइम लगता है, वो कानूनी कागजात है ना, तो उसमें समय लगता है बिटिया। अरे अब मुंह काहे लटका रही हो शैतान की नानी। अच्छा चाच दाद फूफी संगत चाचू चलो अब बताओ तुम खाना क्या खाओगी। अगर तुम खिचड़ी खाओगी तो हम तुम्हें शांति आंटी के घर छोड़ाते हैं। मैं भूख नहीं है। काहे भूख नहीं है बिटिया, खाना तो खाना पड़ेगा ना, कुछ खाओगी तभी तो सो पाओगी। चलो ठीक है, अब तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हें पापा के हाथ से दूध पीना पड़ेगा, चलेगा? अब आ जाएगी तुम्हारी चिट्ठी, मुंह मत लटकाओ। पानी दो जरा। महापुरुष ने कहा है कि ग्रेट आइडियाज के लिए ना टाइम लगता है, ये लो। आइडिया भूल गया। ज्योग्राफी वाले मैडम से पूछे, उनको बॉर्डर के बारे में पता होगा और वो सोल्जर्स को भी जानती होंगी। ऐसा कभी होता है? नहीं होता। ठीक है। अरे यार तू डायरेक्टली फोन करके क्यों नहीं पूछ लेती कि तेरे लेटर का जवाब क्यों नहीं मिला? ऐसा हो सकता है। हो सकता है ना, क्योंकि उनके पास भी तो फोन होगा, है ना? सही आइडिया। अरे वाह भैया, ये आइडिया तो हमने दिमाग में आया ही नहीं, लेकिन हमारे पास तो उनका फोन नंबर नहीं है, हम उन्हें फोन कैसे करेंगे? एक फोन नंबर दोस्त है, टेंशन ना ला छोटी, एक नंबर नहीं मिला तो तारा बॉर्डर नहीं जाएगा, इससे हो नहीं सकता गुनगुन। तो मैं इंटरनेट का नंबर निकलवा लाऊंगा, ठीक है? इंटरनेट का नंबर कैसे मिलेगा? मिल जाएगा, आजकल इंटरनेट से सब कुछ निकल जाता है, और वैसे भी मेरे घर पे कंप्यूटर है, उसमें से सर्च करके नंबर निकलवा लूंगा। सच में भैया, अब हम भी नंबर निकाल कर लेकर आएंगे? अब बेस्ट फ्रेंड हो, इतना तो कर सकता हूँ मैं। थैंक यू भैया। थैंक यू बॉर्डर पे जाके सोल्जर्स अंकल को बोलना, और वहाँ पे जाके तू सनीपा जी की तरह वहाँ की फोटो तो खिंचवाएगी ना। भैया आप भी ना मेरी बेटी सनी हो। सॉरी सुमित भैया, आप हमसे नाराज तो नहीं होंगे ना सुमन भैया? हमने आपकी सारी विशेष पूरी कर दी है,
लेकिन ये काकरी विषय जो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, पापा भी हमें इस पर मदद कर रहे हैं। और अब देखो हमने घर के बाहर लेटर बॉक्स भी लगा दिया है। आर्मी अंकल से हमें अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया, ना कोई लेटर आया, पर हम फिर भी रोज एक नया लेटर लिखते हैं। आपको पता है स्कूल में बच्चे कहते हैं कि इम्पॉसिबल है, पर पापा हमें कहते हैं कि बोले शंकर इसको पूरी करने में हमें मदद करेंगे। हमको सच में नहीं पता है सुमित भैया कि विश पूरी हो पाएगी कि नहीं। अगर ये विश पूरी नहीं हुई तो आप हमसे नाराज तो नहीं होगे ना, हमसे कंटी तो नहीं होगे ना।